morning students, welcome to online classes connected by Selfridge School and College. बच्चों हम आज कक्षा 8 का पार्ट 10 वचन के अभ्यास का आरंभ करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने वचन की परिभाषा, उसके भेद, उसकी पहचान और एक वचन में सदैव प्रयोग होने वाले शब्द और वचन में सदैव प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में आपको पढ़ाया। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे जो आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है। पृष्ठ संख्या पेज नंबर 39 में यह अभ्यास कार्य है आपका। पुस्तक में दिए गए उपयुक्त विकल्प से खाली स्थान करिए। जो विकल्प आपको दिए गए हैं, मेरे विद्यालय में दो नई अध्यापिकाएं आई हैं। डैश मैदान में खेल रहा है तो लड़का मैदान में खेल रहा है। चोर को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। चोर को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। फिर है चौथा, लतिका डैश को पानी दे रही है, लतिका पौधों को पानी दे रही है। इसमें आपको वर्तनी, वाक्य प्रयोग करना ये सब देखना पड़ेगा। भाषा का ज्ञान आपको उचित होना चाहिए, तभी आप इसको पूर्ति कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि कौन सा उचित शब्द यहाँ पे लिखना है। बहुवचन है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। इन सबका ध्यान रखते हुए आपको शब्दों को चुनना है। फिर नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन गाय का गाय, माता का माताएं, आंख का आंखें, वधु का वधुए, सड़क का सड़के, बुढ़िया का बुढ़िया या और चंद्र के लिए, ठीक है। चंद्र के लिए एक ही मात्रा होती है। सबका बहुत ध्यान रखना है कि बहुवचन में एक ही मात्रा के बाद बिंदी लगाया जाता है। बिंदी लगाया जाता है चंद्र बिंदी होती है, एक के ऊपर से चंद्र बिंदी लगाते हैं। तो ये बिंदियों का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने बिंदी भी नहीं लगाई है तो आपका बहुवचन रूप सही नहीं माना जाएगा। फिर है नीचे दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध शब्दों को ठीक करके वाक्य को पुनः लिखिए। इसमें जो अशुद्ध शब्द हैं उन्हें ठीक कर रहे हैं और वाक्य को पुनः लिखना है। वृद्ध का प्राण निकल गया तो वृद्ध के प्राण निकल गए, ठीक है। डर के मारे कमल का होश उड़ गया, डर के मारे कमल के होश उड़ गए। आजकल सज्जनों का दर्शन दुर्लभ है, आजकल सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है। पिताजी ने अंक तालिका पर हस्ताक्षर कर दिया, पिताजी ने अंक तालिका पर हस्ताक्षर कर दिए। क्या आपने आज का ताज़ा समाचार सुना? तो यहाँ पे वह क्या आपने आज के ताज़ा समाचार सुने। मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, हिंदी पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुवचन वाक्य या बहुवचन शब्दों में वृद्धि लगती है। फिर है नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के वचन लिखिए। जिसमें मोटे छपे शब्द हैं उनके आपको वचन लिखना है। वचन लिखते समय आपको ध्यान देना है कि वाक्य पढ़कर क्रिया पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि बहुवचन है कि एकवचन। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपको क्रिया से नहीं पता चलेगा कि बहुवचन है कि एकवचन है। कुछ जैसे जो सदैव एकवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, कुछ सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, वो चाहे क्रिया होंगी बहुवचन की हो लेकिन वो अगर एकवचन के होंगे तो वो एकवचन के ही शब्द होंगे। तो पहला है अनुराधा ने सारा दूध पी लिया, तो दूध शब्द एकवचन है तो आपको एकवचन ही लिखना है। इसके साथ सारा दूध लगा हुआ है लेकिन दूध शब्द एकवचन है और आपको दूध का ही वचन बताना है तो वहाँ पर आप एकवचन लिखेंगे। मंदिर के ऊपर सोने का कलश रखा है, इसमें मोटा छपा शब्द कलश और है एकवचन। सभी देश प्रदूषण को रोकने का प्रयास करें, तो सभी देश हैं